With COVID deaths rising again in the second wave of the pandemic in Lucknow, the designated electric crematorium for COVID casualties is full. A crowd of ambulances and hassled relatives waiting for their turn. Four municipal corporation employees are putting in 17 to 18 hour daily shifts to carry out the cremations with COVID protocols in place, with bodies also coming in from areas close to Lucknow. Let's go across to Alok Pandey and Rajesh Gupta for this report. Lucknow saw its highest ever rise yesterday when 1,333 cases were reported, and there have been over 40 deaths in the last week. The responsibility for cremating those bodies is at this electric crematorium here in Lucknow, and there has been a body pileup here because not only are bodies from Lucknow coming here to get cremated, the relatives are bringing them here, but also from adjoining districts where there are no electric crematoriums, those bodies are also coming here. I have Munna here with me, who is now in charge of getting cremations done here. Munna ji, ye batayega ki roj ausatan aap log kitni bodies COVID patients ki cremate kar rahe hain? Sir, 22-23 body roj cremate kar raha hu. 22-23 body. Aapki team kitni badi hai Munna ji? Hamari team mein maan ke liye 4 log hain. जी सर, आप लोग मिलके कर रहे हैं? जी सर। ये बताइए, ये जो 22-23 बॉडीज हैं, ये लखनऊ और कहाँ कहाँ से आ रही हैं? सर, लखनऊ से और लखनऊ के आसपास जो भी जिले लग रहे हैं या शहर लग रहे हैं, उसमें सब में आ रही हैं। क्या प्रोटोकॉल्स हैं आपके दर संभाल? हाँ, प्रोटोकॉल ये है कि हमारे दो लड़के जो हैं वो बॉडी अपने हाथ से उठा ले जाते हैं, जिनको नगर निगम ने रखा है बॉडी उठाने के लिए। परिवारजन नहीं उठाते हैं, वो ले जाके वहाँ रख देते हैं। उसके बाद परिवारजन जो फूल चढ़ाना चाहें या कुछ करना चाहें देख के, वो करा देते हैं। उसी हिसाब से उनको फिर बाहर कर देते हैं कुछ बॉडी बार अंदर जाने के बाद में। दूसरे दिन उनको उनकी एसेस बुला के उनको दे देते हैं। और आप लोग अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं? पर्सनल सेफ्टी के लिए सर मास्क लगा रहे हैं, और दूसरा ऊपरी वाले पे भरोसा, और क्या कर सकते हैं सर। बिल्कुल, तो सैनिटाइजेशन मैंने देखा आप लोग हर क्रिमेशन के बाद कर लेते हैं सर। हम लोग का सेफ्टी तो थोड़ी जरूरी है। मान लीजिए सैनिटाइजर तो मान के जो सर हम लोग को नहीं मिला, ये कार्बन ऑक्साइड है जो चल रहा है यहाँ पे। सैनिटाइजर आप लोग पास नहीं है? सैनिटाइजर सर नहीं है हम लोग पास। सैनिटाइजर हाथ वाथ मिलने के लिए हैंड वाला हैंड सैनिटाइजर नहीं है हमारे पास। अच्छा। हमारे पास खाली जो ट्रैक्टर आ रहा है, हाँ, जिसमें हाइको डाल के देते हैं हम लोग, उसी से सर हम लोग हाथ भी धो लेते हैं, उसी से सैनिटाइज भी कर लेते हैं। हाइपोक्लोरिक एसिड आपके? जी जी। विद कमाल खान एंड कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता, दिस आलोक पांडे, एनडी टीवी। वी आर एट लखनऊ इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम टू ट्राई एंड गिव एवरीवन अ सेंस ऑफ जस्ट हाउ टफ दिस पैंडेमिक इज फॉर एवरीवन, especially for those who are losing their loved ones and then have to wait hours for those cremations to take place. I have this gentleman here with me, sir. Aapka naam jaan sakta hu? Main Alok Parhadkar hu, Satant Patrakar hu main. Alok ji, aapke ghar mein kiski death hui hai aur kab hui hai? Ji, mere father in law hain, wo kai dinon se corona ke karan bimar the, aur kal unki PGI mein raat mein 11:10 pe nidhan ho gaya unka. Aur aap yahan Bhaisa Kund mein is electric crematorium mein kab se hain sir? मैं एक घंटे से हूँ, और जब मैं आया तो मुझे मेरे एम्बुलेंस वाले ने बताया कि आपको 8 नंबर मिला हुआ है, और उस समय एक नंबर चल रहा था, और हर क्रिमेशन में एक घंटा लगता है। इसका मतलब आपको यहाँ 7 से 8 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद क्रिमेशन हो पाएगा? बिल्कुल, ये मतलब मुझे पहली बार इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। अमूमन ये देखा जाता था कि जिनको कम समय में अपना ये अंतिम संस्कार कराना होता था, वो विद्युत शवदाह गृह में आते थे, लेकिन आज पहली बार मुझे ये पता चला कि यहाँ पे भी 8 घंटे की लंबा इंतजार आपको करना पड़ेगा। इससे जो गुजरता है वही उसे महसूस कर सकता है कि आप पहले कोरोना से संघर्ष करते हैं अपने परिवार को बचाने के लिए लंबे समय तक, और फिर उसको अंतिम संस्कार के लिए भी आपको 8 घंटे 9-10 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। ऑल ऑफ दीज पीपल आर रिलेटिव्स ऑफ कोविड पेशेंट्स एंड दे बीन हियर फॉर आवर्स। सर, आपका नाम क्या है? आपका व्हाट्स योर नेम सर? मैं अजय गुप्ता। अजय जी, आई एम रियली सॉरी टू आस्क यू दिस, बट किसकी डेथ हुई है आपकी फैमिली? हमारे डॉक्टर साहब हैं, मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं, इनके फादर की डेथ हुई है। इनके फादर की डॉक्टर? यस। ओके ओके। और आप लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं? सर, मॉर्निंग में मैं यहाँ पर आए हूँ, 1.5 इट इज गॉन। आप लोग को भी कोई टोकन नंबर मिला है? टोकन नंबर इज गिवन। हाँ, टोकन नंबर है। And what have you been told, sir? कितना समय और लग सकता है, क्या बताएं? Time they are not given. Not given time. कितना tough है इस वक्त situation आप लोग? Situation तो you are looking also. He is doctor. He was not allowed to see his father. What treatment he is getting? Being a doctor, he has saved several lives. But he is not allowed to enter. With Kamal Khan and camera person Rajesh Gupta, Saluk Pandey, NDTV.